नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में लिखना। जी हाँ, हिंदी स्टोरी है, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें वो सभी आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे, बहुत सारे नए नए शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे और उसके हिंदी में उसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट भी करके आज देखेंगे, स्पेलिंग भी देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने और भी जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्या किया है, इंग्लिश के जो ऐसे थे, इंग्लिश के जो लेसन थे, उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया था वहां पर किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, उसका तरीका और उसका मीनिंग वगैरह मैंने सभी बताया था। तो यदि आपने नहीं देखा होगा तो ये साइड में आपको आई लिंक दिख रहा होगा ऊपर में, वहां पर जब आप वीडियो देख लेंगे तो वहां पर आप जाके क्लिक कर लेंगे एक बार और वहां पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हेडिंग लिखा हुआ है पार्ट 11, चित्रकार मोर। तो पार्ट 11 मतलब लेसन 11, तो वो तो आप समझ गए लेसन 11। तो चाहे तो यहां पर आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं, जैसे हमने लिखा है यहां पर लेसन 11 और यहां पे लिखा हुआ है चित्रकार मोर। चित्रकार हो यानी होता है पेंटर। तो यहां पर जब उसकी स्टोरी है चित्रकार मोर की, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे क्योंकि उसके बारे में पूरी स्टोरी है। तो हम यहां पर लिखेंगे द पेंटर पीकॉक, द पेंटर पीकॉक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हिंदी में स्टोरी पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे और यहां पर स्पेलिंग भी मैं लिखते जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि थोड़े से दूर दूर लिखूं ताकि आपको स्पेलिंग भी अच्छे से दिख सके। तो चलिए सबसे पहले लाइन देखते हैं, लिखा हुआ है बहुत पहले की बात है। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है इट इज अ लॉन्ग टाइम अगो। तो अगो यानी होता है पहले की बात है, तो इसे हम यहां पर साथ ही साथ लिखते जाते हैं इट इज अ लॉन्ग टाइम अगो। तो हम पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ये होगा आपका इट इज अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो इट इज अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। उसके बाद लिखा हुआ है तब सारे के सारे पक्षी सफेद रंग के होते थे। तो सारे के सारे मतलब तब सभी पक्षी सफेद रंग के होते थे, तो तब यानी देन, उस समय की बात हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे टी एच ई एन देन ऑल द यानी सभी, कौन सभी, ऑल द बर्ड्स। तो बर्ड्स यानी होता है पक्षियां, सारे के सारे पक्षी है इसलिए बर्ड्स बहुवचन। यदि एक पक्षी के बारे में बात होती है यानी एक चिड़िया के बारे में बात होती तो केवल बर्ड लिखते, तो एस लिखा हुआ तो बहुवचन। तब सारे के सारे पक्षियां क्या थे, सफेद थे। तो देन ऑल द बर्ड्स वर, तो यहाँ पे वर लिखाएगा, लिखा हुआ डब्ल्यू ई आर ई, इसे हम वेयर नहीं पढ़ते, बहुत से लोग वॉज वेयर पढ़ते हैं, इसे वर इसका प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि वेयर जो होता है डब्ल्यू एच ई आर ई उसका मतलब होता है वेयर यानी कहाँ, ये जो वर है इसका मतलब होता है थे। ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसे पढ़ सकते हैं जैसे वॉज यानी था थी, तो यहाँ पे वर यानी होता है थे, यानी जो बहुवचन में यूज होता है। यहाँ पे जैसे बर्ड्स है तो यहाँ पे वर आता, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए बर्ड होता तो वॉज आता, लेकिन बर्ड्स लिखा हुआ है बहुवचन तो यहाँ पे वर का प्रयोग होगा। ठीक है, वैसे हेल्पिंग वर्ब है। तो बर्ड्स वर वाइट, क्या थे बर्ड, सभी पक्षियां क्या थे, वाइट। वाइट यानी होता है सफेद। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। सारे संसार की रंगीनी देखकर, तो देखकर यानी होता है सींग, सींग यानी होता है एस डबल ई आई एन जी, सींग यानी होता है देखकर, क्या देखकर, ऑल द वर्ड्स यानी पूरी दुनिया की। तो ऑल द वर्ड्स, तो ए डबल ए ऑल द वर्ल्ड्स। तो यहां पे देखिए ऊपर में अपोस्ट्रोफी वाले एस लगाया हूं, देखिए यहां पे वर्ल्ड्स यानी दुनिया, बहुवचन वाला दुनिया लिखा, दुनिया तो खुद एक अपने आप में एक शब्द है, वर्ल्ड्स तो अपोस्ट्रोफी जब लग जाता है ऊपर एक कॉमा जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब है दुनिया की या दुनिया का। तो वर्ल्ड उसके बाद देखिए अपोस्ट्रोफी फिर एस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे बर्ड्स था बहुवचन था पक्षी पक्षियां, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी लग जाता है ऊपर वाला कॉमा तो वर्ड्स मतलब दुनिया का, जैसे फादर्स लग गया तो यहाँ पे हम एस लगा दिए तो पिता की, मदर्स माता की, इस प्रकार से होता है। तो हो गया सीइंग ऑल द वर्ड्स, क्या देखकर, सभी दुनिया की, क्या देखकर, रंगीनी देखकर, तो इसका मतलब होता है कलर्स, क्या देखकर, कलर्स। तो ये हो गया कलर्स, यहां पर देखिए बहुवचन है कलर्स, ये हो गया बहुवचन।
सींग ऑल द वर्ड्स कलर, पूरी दुनिया के रंगों को देखकर, रंगीनी देखकर क्या होता था, उनका मन भी ललचाता था, उनका मन भी ललचाता था। ललचाना को क्या कहते हैं, टेम्पटिंग कहते हैं। टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाना। तो देयर माइंड वॉज, उनका मन, तो उनका यानी देयर, तो यहाँ पे आएगा देयर यानी उनका होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर का स्पेलिंग होता है TH EIR, देयर माइंड। तो मन को हम यहाँ पर दिमाग भी बोल सकते हैं, मतलब बुद्धि मन, तो उसे माइंड यहाँ पर लिखेंगे। देयर माइंड वॉज, तो वॉज क्योंकि मन एक है, यहाँ पे सिंगुलर इसलिए वॉज लिखे हैं। देयर माइंड वॉज ऑल्सो, उनका मन भी, ऑल्सो भी, तो उनका मन भी क्या होता था, ललचाता था। तो मैंने आपको जैसे बताया ललचाना का होता है टेम्पटिंग, देखिए ये लिखा हुआ है टेम्पटिंग, स्पेलिंग भी आप देखते हैं, थोड़ा मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, कर्सिव ना लिखकर। तो वॉज ऑल्सो टेम्पटिंग, उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, देखिए अभी फुल स्टॉप पूर्ण विराम है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। वे सोचते थे काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसके बाद लिखा हुआ है वे सोचते थे काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा हो। देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या कीजिए, तोड़ तोड़ कर इसे इसका लिखते जाइए। वे सोचते थे, वे सोचते थे, तो वे सोचते थे को इंग्लिश में हम कहते हैं कि दे थॉट, वे सोचते थे, थॉट क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए थॉट, थिंग जैसे होता है, थिंग यानी सोचना, तो उसका होता है थॉट, तो विचार करते थे। तो क्या सोचते थे, तो दे, वे यानी होता है दे, तो TH EY दे, थॉट का स्पेलिंग होता है TH OUGHT। अब इसे आप थॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे आप थॉट पढ़ेंगे। यहाँ पे जी क्या होता है, साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर नहीं पढ़े होंगे आपने, नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर भी लिंक दे दूंगा आई में, आप वहाँ पर जाके देख लेंगे। दे थॉट, वे सोचते थे, दैट क्या सोचते थे, इफ, दैट इफ की क्या हो जाए, वी आर हम भी, वी आर यानी हम भी, क्या हो, वी आर यानी हम भी, क्या हो जाते हैं, हम भी कलरफुल, रंगीन हो जाते हैं, किसकी तरह, तो पहले लिखेंगे हम कलरफुल, हम भी क्या हो जाते हैं, कलरफुल, और किसकी तरह, पक्षी यानी जो पक्षी वो सोच रहे थे, हम भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे, फूल पत्ती और रंगीन बादल, तो यहाँ पर हो गया कलरफुल, लाइक क्या होता है, जैसे, कलरफुल लाइक जैसे, किसके जैसे, ये लाइक यानी पसंद करना भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर लाइक का मतलब जैसे भी होता है, तो किसके जैसे, लाइक फ्लावर्स यानी फूल जैसे, देखिए तो ये हो गया आपका फ्लावर्स एंड फूल यानी फूलों की तरह, और किसकी तरह, पत्ते की तरह, तो पत्ता, लीफ यानी होता है पत्ते, फूल पत्ती, तो फ्लावर्स एंड लीफ, फूल और पत्ती की तरह, और किसके से बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड और लिखा हुआ है, तो और को हम बोलते हैं एंड रंगीन बादल यानी होता है कलरफुल क्लाउड, कलरफुल, तो यहां पे आ जाएगा आपका फिर से कलरफुल क्लाउड्स, यहां पे होता है कलरफुल क्लाउड, ये हो गया क्लाउड, बादल, इसलिए क्लाउड लिखे हैं, बादलों जैसे होता है तो क्लाउड्स होता है, ऐसे लगा देते, तो यहां पे हो गया क्लाउड, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है दे थॉट, वे सोचते थे, दैट If we are colorful, हम भी यदि रंगीन होते, किसके जैसे रंगीन होते, like जैसे flowers and leaf, फूल और पत्ती के जैसे, and और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूल पत्ती के जैसे, और colorful cloud रंगीन बादल के जैसे, रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है leaf and colorful cloud, उसके बाद लिखा हुआ है रंग बिरंगे हो जाए तो फिर कैसे हो, तो यहाँ पर आएगा then how, तब कैसे हो, तो यहाँ पे लिखे होंगे हम then हाउ, तब कैसे होता, देन याने तब, हाउ याने कैसे होता, गुड इट इज, गुड याने अच्छा होता, इट इज जब हम सवाल पूछते हैं तो इज इट होता है, तो इट इज ये पहले आ गया, इट इज याने कितना अच्छा होता, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है फिर बता भी रहा है, तो यहां पर क्या, देन हाउ गुड इट इज, तब कितना अच्छा होता, तो इसका मतलब होता तब कितना अच्छा होता, यहां तक ये कंप्लीट हो गया है, या फिर तब कितना अच्छा हो या होता, इसका मीनिंग यही हुआ, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई, तो यहां पे देखिए सब पक्षियों ने, तो सब पक्षी यानी क्या हो गया यहाँ पे, ऑल द बर्ड्स, सब पक्षियों ने, तो बर्ड्स, तो ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों के बारे में बात हो रही है, तो हम भी यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, और ऑल, ALL, ऑल द TH E
द हो गया, उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे बर्ड्स। देखिए एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ है, यानी पक्षियां, यानी पक्षियों ने क्या की, सभा बुलाई। तो ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने। उसके बाद लिखा हुआ है एक सभा बुलाई, तो यहां पर देखिए सभा का मतलब होता है असेंबली, सभा का मतलब होता है असेंबली। और विचार क्या, बुलाई और विचार क्या, विचार करना मतलब होता है कंसिडर्ड, कंसिडर मतलब होता है विचार करना। तो यहां पे हो गया देखिए ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने क्या की, कंसिडर्ड, तो कंसिडर्ड मतलब होता है विचार करना। तो यहां पे होगा आपका देखिए स्पेलिंग, देखिए कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार करना। क्या विचार किया उन्होंने, एक सभा बुलाने का विचार किया, एक सभा बुलाई, सभा बुलाने का विचार किया, फिर सभा बुलाई। तो सभा यानी होता है असेंबली, तो असेंबली का स्पेलिंग होगा यहाँ पे ए डबल एस ई एम बी एल वाई, असेंबली। ऑल द बर्ड्स कंसिडर्ड असेंबली, उन्होंने सभी पक्षियों ने एक सभा का आयोजन किया, सभा बनाने पर विचार किया, सभा बुलाने पर विचार किया। तो यहां तक हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद लिखा हुआ है सोचा, उन्होंने क्या किया, सोचा। तो यहां पे सोचा का मतलब होता है सभी पक्षियों ने सोचा, तो यहां पे होगा उसका मतलब किन्होंने, पक्षियों ने। तो यहां पे फुल स्टॉप हो गया था असेंबली के बाद, तो फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे आप, फिर आप लिखेंगे यहां पे दे थॉट, फिर थॉट का स्पेलिंग वैसे ही आ जाएगा दे थॉट। उन्होंने सोचा कि चलकर ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए, चलकर या फिर वहां जाकर ब्रह्मा जी से क्या किया जाए, रंग मांगा जाए, ना लॉर्ड ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पास चला जाए और रंग मांगा जाए। तो यहां पे दे थॉट, उन्होंने क्या सोचा, लेट्स गो टू, लेट्स गो टू, चलो चलते हैं, सोचा चलकर। तो क्या होता है, चलना है ना, लेट्स गो टू, यानी कहीं जाना रहता है तो हम कहते हैं लेट्स गो। तो वैसे सभी ने सोचा लेट्स गो टू लॉर्ड, लॉर्ड यानी होता है भगवान, और भगवान ब्रह्मा जी, तो यहां पर आएगा लॉर्ड। तो यहां पर लिखेंगे L O A R D S, लॉर्ड्स, तो लॉर्ड्स यानी होता है भगवान ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा जी है उसका स्पेलिंग जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो आप कैपिटल कैपिटल में लिखे करेंगे ब्रह्मा, तो लॉर्ड ब्रह्मा, सॉरी यहां पे ए नहीं आएगा क्योंकि ब्रह्मा, यहां पे ब्रह्मा नहीं हो रहा, ब्रह्मा, तो यहां पे ये क्या होगा, ए नहीं आएगा, ब्रह्मा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहां तक। तो दे थॉट लेट्स गो टू लॉर्ड्स ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और क्या किया जाए, वहां जाकर रंग मांगा जाए, क्या क्या, रंग मांगा जाए। तो किसी से कुछ मांगना रहता है, किसी से कुछ मांगना रहता है तो हम क्या कहते हैं, आस्क फॉर, मांगना हो तो आस्क फॉर ब्रह्मा एंड और, एंड और आस्क फॉर ए एस के, आस्क फॉर जिसे हम कहते हैं पूछना या फिर मांगना, आस्क फॉर कलर याने रंग के बारे में पूछा गया या फिर रंग के, रंग मांगा गया, इसका मतलब ये होता है रंग मांगा गया, तो उसे हम आस्क फॉर भी कहते हैं, किसी चीज के बारे में मांगना या किसी चीज के बारे में पूछना, तो उसे आस्क फॉर वहां पर हम यूज करते हैं। तो देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया, सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए, तो दे थॉट उन्होंने सोचा लेट्स गो टू लॉर्ड्स ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी के पास, लॉर्ड ब्रह्मा जी भी लिख सकते हैं, जी लिखा हुआ तो जे आई जी, एंड आस्क फॉर कलर और रंग मांगा जाए, यानी रंग को मांगा जाए, रंग के बारे में पूछा जाए, रंग मांगा जाए, तो फुल स्टॉप हो गया। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारे पक्षी एकत्र होकर, तो ऑल द बर्ड्स यहां पर आएगा सारे पक्षी, तो यहां पर हो जाएगा आपका देखिए ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी क्या हो गया, गेदर्ड, गेदर्ड यानी होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना, तो गेदर्ड का स्पेलिंग होगा यहां पर, जगह यहां पर देख लेता हूं, जी ए टी, ये हो गया, इसे अलग अलग करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं गैदर्ड, देखिए जी ए टी एच ई आर ई डी, गैदर्ड, गैदर्ड यानी होता है सो टुगेदर, यानी एक साथ होना, तो गैदर्ड यानी एकत्रित होना, एक साथ होना। एंड एंड रीच्ड आर ई ए सी एच ई डी, रीच्ड, रीच्ड यानी वहां पर पहुंचे, किनके पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी यहां पर हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। ऑल द बर्ड्स गेदर्ड एंड रीच ब्रह्मा जी, सभी पक्षी एकत्र हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, यहां तक हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी, यहां तक कंप्लीट हो गया, देखिए यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी, तो यहां पर आएगा आपका ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी पक्षियों की बात सुनी। तो यहां पर सुनना या ना होता लिसन, लिसन यानी सुनना, लेकिन भूतकाल की बात हो रही तो ईडी वहां पे जुड़ जाएगा। तो यहां पे होगा, देखिए लिसन का स्पेलिंग टी ई एन ई डी, देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। इसे आप लिस्टर्न नहीं पढ़ेंगे, लिसर्न। यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे नहीं आएगा आपका, यहाँ पे देखिए लिसर्न, इसका मतलब होता है सुना। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी पक्षियों की बात सुनी। लिसन टू, टू किसके बारे में यानी किनकी बात सुनी, तो संबंध बता रहे तो वहाँ पे टू लगाते हैं। तो लिसन टू बर्ड्स, ब्रह्मा जी लिसन टू बर्ड्स, ब्रह्मा जी ने पक्षियों की बात सुनी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उन्हें लगा पक्षियों की मांग सही है। उन्हें लगा तो उन्होंने सोचा या उन्हें लगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, दे थॉट। तो हम यहां पे लिखेंगे दे थॉट, उन्हें लगा या फिर उन्होंने सोचा द डिमांड ऑफ द डिमांड, डिमांड यानी मांग, देखिए यहां पे लिखा होगा पक्षियों की मांग सुनी, उन्हें लगा पक्षियों की मांग सही है। द डिमांड ऑफ किसका डिमांड, किसकी मांग, बर्ड्स, द डिमांड ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों की मांग क्या है, सही है, इज है, क्या है, राइट, आर आई जी एस टी, राइट। द डिमांड ऑफ बर्ड्स इज राइट, पक्षियों की मांग सही है। देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर बोले वहां पे लिखा हुआ है बेचारे सबके सब पक्षी सफेद हैं। उन्होंने सोचा बेचारे सभी के सभी पक्षी यहां पर क्या है, सफेद है। तो बेचारे को वैसे तो पुअर यानी होता है गरीब, लेकिन यहां पर बेचारे जो शब्द है उसके लिए पुअर यूज करते हैं, बेचारा पुअर, तो वहां पर हम पुअर का यूज कर सकते, पी डबल ओ आर पुअर का यूज हम वहां पर कर सकते हैं। तो बेचारे सबके सब पक्षी सफेद है, तो यहां पर आएगा ऑल द पुअर बर्ड्स, ऑल द यानी सभी के सभी, ऑल द पुअर मैंने जैसे आपको बताया पी डबल ओ आर पुअर बर्ड्स यानी बेचारे सभी के सभी पक्षी यानी सभी बेचारे पक्षी क्या है, सफेद हैं। ऑल द पुअर बर्ड्स आर है डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, ऑल द पुअर बर्ड्स आर वाइट, सभी के सभी बेचारे सभी के सभी पक्षी क्या हैं, सफेद हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे विचार किया, ऐसे सोचा। उसके बाद उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे, यानी उन्हें रंग मिल जाएगा तो वो भी कलरफुल हो जाएंगे, इसका सामान्य सा मतलब ये है। तो इसे हम बना के देखते हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो, उन्हें रंग मिल जाए तो यहां पर आएगा इट दे गेट, इट इट दे गेट्स, इट दे गेट, यदि उन्हें भी मिल जाए, क्या मिल जाए, कलर यानी कि रंग मिल जाए, सो सो यानी तो क्या हो जाएगा, दे सो दे, तो वो क्या हो जाएंगे उसके बाद, विल ऑल्सो। तो ये विल जो लगता है ये भविष्यकाल की बात है, तो वो क्या हो जाएंगे हो जाएगी, तो गागेगी वाला यूज होता है, तो वहां पे विल का यूज होता है क्योंकि भविष्यकाल की बात हो रही है। सो दे विल ऑल्सो, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ऑल्सो यानी भी, वो भी क्या हो जाएंगे, ज्वाइन द ज्वाइन जे ओ आई एन ज्वाइन यानी ज्वाइन यानी होना शामिल होना, किसमें शामिल हो जाएंगे, द देखिए वो भी शामिल हो जाएंगे संसार की रंगीनी में, तो द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स ऑफ कलर, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है दुनिया, किसकी दुनिया में, ऑफ वर्ल्ड ऑफ किसकी दुनिया में, कलर कलर्स रंगों की दुनिया में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे यानी कि शामिल हो जाएंगे, ज्वाइन होने यानी शामिल होना, इसका मतलब यहां पर ये हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, तो ब्रह्मा जी ने सबको ध्यान से देखा, तो ब्रह्मा जी केयरफुली ऑब्जर्व, ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, ऑब्जर्व करने आना ध्यान से देखना, तो ब्रह्मा जी, तो यहां पर हम लिखेंगे नीचे लाइन है तो नीचे से हम लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं, तो यहां पे आएगा ब्रह्मा जी केयरफुली, तो देखिए इसे हम लिखते हैं केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से देखना, ब्रह्मा जी केयरफुली ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी होता है ऐसा निरीक्षण करना यानी कि ध्यान से देखने से हम कहते हैं। तो यहां पे होगा देखिए ऑब्जर्व्ड, देखिए ऑब्जर्व्ड वीईडी, ऑब्जर्व्ड यानी होता है निरीक्षण करना या फिर ध्यान से देखना, तो यहां पर हो गया केयरफुली ऑब्जर्व, बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा उन्होंने, ध्यान से देखा उन्हें, क्या देखा उन्होंने,
ऑल द बर्ड्स यानी जो वहां पे पक्षियां आए हुए थे उन्हें देखा, तो वहां पर आएगा ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स दैट कम्स, दैट कम, जो पक्षियां आए हुए थे उन्हें क्या किया, ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था, उनमें से मतलब ऑफ देम यानी उनमें से, तो यहां पे होता है ऑफ देम यानी कि उनमें से, दे हैड टू चूज, दे हैड टू चूज मतलब उन्हें चुनना था, तो यहां पे लिखेंगे दे, टी एच ई वाई, दे हैड चुनना था, ये भूतकाल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हैड का यूज यहाँ पे हम करेंगे, दे हैड टू चूज यानी कि उन्हें चुनना था, चूज यानी होता है चुनना, ये हो गया आपका देखिए चूज, दे हैड टू चूज अ बर्ड, एक पक्षी को, देखिए उन्हें एक पक्षी, तो अ बर्ड, अ यानी होता है एक, अ बर्ड, एंड ही उन्हें एक पक्षी को चुनना था और उसको रंग रोगन का या महत्वपूर्ण काम सौंपना था, रंग रोगन यानी हो गया पेंटिंग, पेंटिंग जो काम होता है रंग रोगने का काम उसे पेंटिंग भी कहते हैं, तो बर्ड्स एंड ही हैड टू गिव यहां पे ये तो हो गया चूज, ही हैड टू चूज अ बर्ड, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, अब यहां पे आएगा एंड ही हैड गिव, गिव यानी होता है देना, क्या देना, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पेंटिंग, रंग रोगन का अपना महत्वपूर्ण काम सौंपना था, काम सौंपना यानी देना, सौंपना यानी देना भी होता है, ये तो सामने वाले को क्या करना है, काम सौंपना है उसे देना है, तो हैड गिव महत्वपूर्ण काम, रंग रोगन का महत्वपूर्ण काम यानी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पेंटिंग, तो गिव इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट यानी होता है महत्वपूर्ण, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट का स्पेलिंग होगा इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ, क्या इंपॉर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण काम ऑफ यानी किसका, पेंटिंग यानी चित्रकारी का या फिर रंग रोगन का जो काम होता है वो महत्वपूर्ण काम उन्हें एक चिड़िया को पक्षी को देना था। तो देखिए यहां तक के कंप्लीट हो गया, हमने पूरा यहां तक पढ़ लिया है, इसके बाद का जो स्टोरी है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आशा करता हूं आपको बहुत सारे जो वर्ड्स है वो उसका जो मीनिंग है उसे आपको समझ आ गया होगा, किस प्रकार से बनाते हैं नए नए शब्द जो है हिंदी के उससे इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होगा, उसका स्पेलिंग क्या होगा वो भी आपको समझ आ गया होगा। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करेंगे, इसके आगे का पार्ट यदि आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिए कोशिश कीजिए। तो उसके बाद की स्टोरी ये रही, इसमें से एक दो लाइन आप जो अपने मन से आप अंग्रेजी में चाहे सही करें चाहे गलत करें जैसे भी करें आप कोशिश करेंगे कम से कम ये पहली लाइन या दूसरी लाइन एक दो लाइन कम से कम आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे वहां पे से ट्रांसलेट करके और मैं देखूंगा आपको कितना समझ आया है या फिर आपकी जो भी समझ हो जितने भी जानते हो सही गलत जो भी हो आप लिखिए ताकि मुझे समझ आ सके आपको कितना पता है क्या क्या परेशानी हो रही मैं समझ सकूं उसके बाद उससे रिलेटेड वीडियो आगे मैं बनाते रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल के बेल आइकन को दबा दें क्योंकि ऐसे ही हिंदी इंग्लिश व्याकरण की वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं।